जय भोलेनाथ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का गुरु बहादुर रियल एस्टेट के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो हमने शूट की थी एक 3 BHK फ्लैट की, और उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि इस बिल्डिंग का पार्ट 2 भी हम लोग शूट करेंगे, जिसमें हम लोग आपको दिखाएंगे एक 2 BHK का शानदार फ्लैट जो कि बड़ा होगा। तो यही वो 2 BHK का फ्लैट है दोस्तों, जो कि 67 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है, दिल्ली में द्वारका मोड़ के नजदीक मनसाराम पार्क की लोकेशन है, विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है और शानदार मेकिंग के साथ दोस्तों आपको ये शानदार 2 BHK का फ्लैट मिलता है। यहां से एंट्री है दोस्तों आपके इस 2 BHK फ्लैट की, और जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये शानदार लिविंग स्पेस आपको मिलता है, जिसका साइज है 17 फीट बाय 10 फीट का। काफी बड़ा एरिया आपको मिलता है दोस्तों आपके सोफे की प्लेसमेंट के लिए, और इस 2 BHK फ्लैट में ना केवल आप अपना सोफा लगा सकते हैं बल्कि डाइनिंग स्पेस भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है। ये कॉर्नर आपके डाइनिंग स्पेस के लिए है, जहां पर अपना 4 सीटर डाइनिंग टेबल आप इजीली लगा पाएंगे, और उसके ठीक सामने मिलती है आपको आपकी शानदार किचन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके सोफे की प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर इजीली अपना सोफा आप लगा पाएंगे, पीछे की एक वॉल आपको डिजाइनर मिलती है, इस तरह दोस्तों आपका टीवी पैनल आपको मिलता है, सामने भी अगर आप चाहें तो अपना टीवी इजीली प्लेस कर सकते हैं। सीलिंग पर आपको शानदार सीलिंग का डिजाइन मिलता है, और एसी की फिटिंग भी हमने आपके लिए करवाई है, आपको सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही यहां पर इंस्टॉल करना है। ये है दोस्तों आपका लिविंग स्पेस। अगर बात करूं आपके टाइल वर्क की, तो यहाँ पर हाई ग्लोस की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि प्रीमियम सेगमेंट की टाइल्स हैं। इसके बाद बात करेंगे आपकी किचन के बारे में दोस्तों, तो किचन काफी बड़ी, स्पेशियस और काफी वाइड आपको मिलती है। किचन में आपको एल टाइप का स्लैब मिलता है, नैनो पत्थर का काम किया गया है दोस्तों, फुल बॉडी का ये पत्थर हमने लगाया है, डबल मोल्डिंग का वर्क आपको मिलता है। नीचे और ऊपर दोनों तरफ आप देखेंगे काफी अच्छी स्टोरेज आपको मिलती है। सारा काम दोस्तों आपको बहुत हाई क्वालिटी का मिलेगा। आप देख सकते हैं जो टाइल फिनिश है, ये भी आपको काफी डिजाइनर लुक की मिलती है। इसके अलावा हिंदूवेद की चिमनी आपको मिलती है, जितना भी वुड इस्तेमाल किया गया है दोस्तों वो भी सारा का सारा क्वालिटी का आपको मिलता है। स्टोरेज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि काफी अच्छी खासी स्टोरेज आपको मिलती है। आप देख सकते हैं सॉफ्ट क्लोजर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, हल्का सा पुश करेंगे और आप इजीली बंद कर पाएंगे। इस तरफ कंप्लीट वॉल पर आपको टाइल वर्क मिलता है, और इस वॉल पर ही नहीं दोस्तों बल्कि इस कंप्लीट वॉल पर भी आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर टाइल वर्क हमने लगा कर दिया है, जिससे कि मेंटेनेंस फ्री रहे आपकी बिल्डिंग और आपके लिए इजी रहे साफ सफाई रखना। इस तरफ आपको सिंक मिलता है, वरना की फिटिंग्स मिलती हैं। यहाँ पर आपके लिए वेंटिलेशन के लिए जो शाफ्ट है वो दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें स्विच एंड सॉकेट्स की, तो यहाँ पर आपको स्विच एंड सॉकेट्स दिए गए हैं, जिससे कि अपने इलेक्ट्रिकल आइटम्स को आप इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। ये आपकी शानदार बड़ी वाइड किचन है दोस्तों, जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके बेडरूम्स के बारे में। तो ये है आपका पहला बेडरूम, और बेडरूम के अगर मैं साइज की बात करूं दोस्तों, तो ऑलमोस्ट 15 फीट की इसकी लंबाई है और 10 फीट की इसकी चौड़ाई है। आप समझ सकते हैं 10 फीट बाय और 15 फीट का बेडरूम कितना बड़ा बेडरूम होगा दोस्तों, और इस तरह के बेडरूम इतने बड़े फ्लैट में ही पॉसिबल हो पाते हैं। यहाँ पर एक वॉल आपको डिजाइनर मिलती है, दोनों तरफ आपको स्विच एंड सॉकेट्स मिलते हैं, बेड अपना 6x6 या फिर 7x7 का भी दोस्तों आप इजीली लगा पाएंगे। इस बेडरूम के अंदर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है, इस तरफ आपको विंडो मिलती है, विंडो एसी लगाने का प्रोविजन भी आपको यहाँ पर दिया गया है, मॉस्किटो विंडो भी मिलती है, सेफ्टी ग्रिल, और उसके बाद आपकी जो ग्लास वाली विंडो है दोस्तों वो भी यहाँ पर आपको मिलती है। सीलिंग की अगर बात करें तो अगेन सीलिंग का एक शानदार सा डिजाइन यहाँ पर हम आपको देंगे। इस तरफ आपकी वार्डरोब है, जो कि काफी बड़ी है और रूफ हाइट तक की अब बनाई गई है, और नीचे भी आपको दो बड़ी बड़ी ड्रॉर्स यहाँ पर मिल जाती हैं। इस तरफ आपका टीवी पैनल है, जो बेड के ठीक सामने आएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं काफी अच्छी लुक एंड फील का आपका ये टीवी पैनल है, कंप्लीट फिटिंग के साथ आपको मिलता है, नीचे 4 बड़ी बड़ी ड्रॉर्स आपको मिलती है। तो ये कंप्लीट रूम ही दोस्तों अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इतना बड़ा रूम और इतना शानदार रूम विद वार्डरोब आपको बहुत कम देखने को मिलता है, और 2 BHK फ्लैट में तो दोस्तों बहुत ही कम चांसेस रहते हैं इस तरह के बेड देखने के। चलिए चलते हैं आपके बालकनी की तरफ। ये दोस्तों आपकी बालकनी है, जहां पर आपको वॉशिंग एरिया मिलता है, कंप्लीट वॉल्स पर आपको टाइल वर्क मिलता है, डिजाइनर टाइल वर्क है दोस्तों। इसके अलावा यहां पर आपको स्टील की रेलिंग मिलती है, जो कि 304 में है, और साथ में आपकी 10 फीट की साफ सुथरी सी गली आपको मिल जाती है। ये दोस्तों आपने आपकी बालकनी देखी और आपका पहला बेडरूम देखा। बालकनी हमारा 10 फीट की गली की तरफ है, लेकिन आपकी जो एंट्रेंस रहेगी वो सामने 25 फीट की रोड की तरफ से रहेगी दोस्तों, सभी लोगों की। तो चलिए बात करते हैं आपके सेकंड बेडरूम की। तो ये है आपका सेकंड बेडरूम, और बेडरूम का साइज भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि 12 फीट बाय और 10 फीट का ये बेडरूम भी आपको मिलता है।
इस बेडरूम में भी एक काफी बड़ी वार्डरोब आपको मिलती है जो कि रूफ हाइट तक की वार्डरोब है दोस्तों। इस तरफ आपका बेड लगाने के लिए आपको परफेक्टली स्पेस मिलता है, दोनों तरफ आपको स्विचिंग सॉकेट्स मिलते हैं, ऊपर की तरफ आपको एसी की फिटिंग मिलती है और कंप्लीट वॉल पर आपको डिजाइनर लुक का वॉलपेपर मिलता है। इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए आपको काफी बड़ी विंडो मिलती है, पीछे शाफ्ट दी गई है। सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग का डिजाइन भी यहाँ पर यूनिक आपको मिलता है और इस तरह दोस्तों आपका स्विचिंग सॉकेट आपको मिल जाता है जिससे कि अपना टीवी यहाँ पर भी आप इजिली प्लेस कर पाएंगे। सेकंड वॉशरूम आपका इस बेडरूम के साथ है, ये अटैच वॉशरूम के साथ है यानी कि आपका मास्टर बेडरूम भी है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा वॉशरूम आपको यहाँ पर मिलता है। साइज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ऑलमोस्ट 7 फीट बाय और 4.5 फीट का आपका ये वॉशरूम है। डिजाइनर लुक की टाइल के साथ आपको दिया गया है, नीचे आपको मिलती है, वेंटिलेशन के लिए आपको स्पेस मिलता है, बेथिंग एरिया आपको बिल्कुल सेपरेट मिलता है, वॉल हैंगिंग कमोड आपको मिलती है दोस्तों और इस तरफ आपका डिजाइनर लुक का वॉश बेसिन भी मिल जाता है। इस 2 BHK फ्लैट का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें आपको लिविंग स्पेस, आपके बेडरूम्स और आपके किचन सब कुछ बड़ा मिलता है। चलिए बात करते हैं आपके कॉमन वॉशरूम की। तो ये कॉमन वॉशरूम भी दोस्तों आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि बहुत प्यारी गेटअप दी गई है आपके इस कॉमन वॉशरूम की। आप देख सकते हैं जो टाइल्स का डिजाइन है, जो कॉम्बिनेशन है टाइल्स के कलर्स का, वो कितना प्यारा आपको मिलता है। नीच कितनी बड़ी यहाँ पर दी गई है, ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है, एक तरफ आपको वॉल हैंगिंग कमोड मिलती है, यहाँ पर दोस्तों बेथिंग एरिया आपको बिल्कुल सेपरेट मिलता है और अगर बात करें आपके वॉश बेसिन की तो काफी बड़ा और डिजाइनर लुक में वॉश बेसिन आपको मिलता है वैनिटी के साथ और वरना की फिटिंग से दोस्तों जो कि सालों साल खराब नहीं होती। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका ये शानदार 2 BHK का फ्लैट आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं फिर से आपको एक बार लोकेशन रिमाइंड करा देता हूं, मनसाराम पार्क की लोकेशन है जो मेन मेट्रो लाइन से सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पर है और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन यहां से सिर्फ 350 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि वॉक करके आप अपने मेट्रो स्टेशन तक इजीली जा सकते हैं। मैक्सिमम दोस्तों की जो डिमांड होती है कि हमें बिल्कुल मेन रोड के नजदीक प्रॉपर्टी चाहिए, उन दोस्तों की डिमांड पर आपका ये 2 BHK का फ्लैट बिल्कुल खरा उतरता है। और इसी तरह के शानदार और अमेजिंग फ्लैट देखने के लिए दोस्तों हमेशा जुड़े रहिए गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।